तो दोस्तों आज मैं आ चुका था स्मृति वन बिलासपुर फन एंड एडवेंचर पार्क में। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हो डायनासोर को कितना डेंजर लग रहा है, और 10 साल से जितने भी ऊपर रहते हैं उनका 20 रुपए है चार्ज है, बाकी बाइक का सो गया था क्या भैया? नहीं कल मिले नहीं इसलिए आज बोल दे रहा हूं। मेरा बॉडी तो इससे ज्यादा बड़ा है। इन सभी में आप अपने बच्चों लोगों को आराम से झुला सकते हो, गाड़ी में घुमा सकते हो। हर हर महादेव जी, डायनासोर है दोनों तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हो ताजमहल है, लोहे का है पूरा, कितनी क्यूट है। बोलू बोलू क्या चीज में, ऐसे एक पेड़ रहता था जो कि जिंदा रहता था, आई थिंक सिंगिंग के सिंगिंग वाला है कुछ। अरे कहना क्या चाहते हो? और यहाँ पर गाड़ी चलना चालू हो चुका है, और अंदर में देख सकते हो छोटा सा बच्चा है जिसको उसकी मम्मी उठाई हुई है, ड्रैगन का सर है, और वहाँ पर छोटा सा जो झूला चल रहा है उसी का एक पार्ट भी है गाइस। ये देखो ट्रेन बच्चे लोग को, आप यहां आके पिकनिक भी मना सकते हैं। ये देख सकते हो गाइस कितना तबाही लग रहा है सनसेट, और किनारे किनारे में भी कैंडल है। बाकी यहां का व्यू देखो गाइस ऊपर से पूरा देखो, ये देखिए। और यहां पर आप देख सकते हो ये मक्का है बोल सकते हो, भुट्टा बोलते हैं यहां तक। और यहां पर भी एक आइसक्रीम है, और ये ऑरेंज लग रहा है मेरे को। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों आज मैं आ चुका था स्मृति वन बिलासपुर फन एंड एडवेंचर पार्क में। चले यहाँ चलते हैं, कितना समय ओपन होता है, कितना समय क्लोज होता है, पार्किंग का कितना चार्ज है, वीक में कितने दिन ओपन रहता है और कितने दिन नहीं, बहुत सारे चीज गाइस यहाँ जाके पता करते हैं क्या क्या चीज है। यहाँ चले चलते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैं स्मृति वन के एंट्रेंस गेट में एंट्री किया तो मेरे को यहाँ पर डायनासोर दिख गया। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कितना खतरनाक है, अगर ये जिंदा रहता तो मैं इसके पेट में रहता बोल सकते हो। आपको पास दिखाता हूँ कैसा है भाई डायनासोर। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो डायनासोर को कितना डेंजर लग रहा है, इसके दांत को देखो गाइस कितना बड़ा बड़ा है और कितना लाल लाल एकदम खतरनाक। तो दोस्तों यहाँ पर आप डायनासोर के पैर को भी देख सकते हो और हाथ को भी देख सकते हो। डायनासोर के साथ में दोस्तों डरावने पोज में आप फोटो खिंचाओ, कितना तबाही लगेगा आपके सोशल मीडिया में डगलने के लिए। सो गाइस फाइनली आपको मैंने डायनासोर को दिखा दिया। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो स्मृति वन फन एंड एडवेंचर पार्क करके ऊपर में बोर्डिंग लगा हुआ है, और बोर्डिंग के ऊपर में डायनासोर है गाइस, और बगल बगल में जो बोर्डिंग है उसके बगल बगल में परियां हैं दो खूबसूरत। तो चलिए अंदर चलते हैं और टिकट का प्राइस पता करते हैं और परियों से बात करते हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सो गाइस फाइनली मैंने टिकट कटा चुका है। मैं अगर आपको टिकट का प्राइस बताऊं तो जो 3 साल से 10 साल के बच्चे रहते हैं उनका 10 रुपए चार्ज है, और 10 साल से जितने भी ऊपर रहते हैं उनका 20 रुपए है चार्ज है, बाकी बाइक का 10 रुपीज है चार्ज है गाइस। चलिए यहाँ चलते हैं। एंड गाइस पूरे हफ्ते ओपन रहता है स्मृति वन, और दोस्तों जो टाइमिंग है सुबह 10:30 बजे से रात के 7 बजे मतलब की शाम के 7 बजे तक है गाइस। आप सुबह 10:30 बजे से 7 बजे के बीच में स्मृति वन में पूरा घूम सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैं गेट से एंटर किया तो मेरे को यहाँ पर तोप मिल गया है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर नहीं करोगे तो इसी तोप से आपको उड़ा दूंगा मैं। आई एम सॉरी बाबू। चलिए दोस्तों आपको एक एक करके मैं और चीजों को दिखाते जाता हूँ स्मृति वन का। सो गया था क्या किया? तो दोस्तों भैया मिला जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। कहाँ से वैसे भैया? भैया मैं तो बिलासपुर से ही हूँ। अच्छा आज घूमने आया था दोस्तों लोग के साथ? हाँ फ्रेंड लोग के साथ आए थे बर्थडे सेलिब्रेट करने। अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट करने? हाँ भाई का था बर्थडे। अच्छा अच्छा ये भाई का था? अरे आज बर्थडे बॉय शर्मा रहा है यार। ये देख सकते बर्थडे बॉय, ये हमारे बर्थडे बॉय, इनका बर्थडे हम सेलिब्रेट करने। हैप्पी बर्थडे भैया, कल मेरा बर्थडे था ऐसे। अरे जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल था धन्यवाद। नहीं ठीक है कल मिले नहीं इसलिए आज बोल दे रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो अवेंजर में का एक हीरो हल्क है, देख सकते हो ग्रीन कलर का, बाकी इससे बड़ा तो मैं नहीं हूँ यार। अरे बाप रे हाथ को देखो इसका, इसको मैं उठा के पटक दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैं नीचे में आ चुका हूँ, और जो हल्क है एंट्रेंस गेट जैसे ही आप एंट्री करोगे यहाँ पर आपको सामने में हल्क दिख जाएगा। तो ये देख सकते हो कितना बड़ा है, एब्स भी है इसका सब एकदम एंगर में। ये मेरा बॉडी तो इससे ज्यादा बड़ा है। कैसा लगा मेरा मजाक? तो दोस्तों फाइनली मैंने आपको हल्क को दिखा दिया कितना बड़ा था। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे झूले हैं। इन सभी झूलों में जो गाड़ी है झूला है इन सभी में आप अपने बच्चों लोगों को आराम से झुला सकते हो, गाड़ी में घुमा सकते हो। बाकी यहाँ पर बोल सकते हो ट्रेन भी है बच्चे लोगों के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों सामने में एक छोटा सा पार्क है, बहुत सारे अंदर में भी पार्क है, झूले वूले भी है, बाकी यहाँ पर भी पार्क है, और पार्क के अंदर में एक स्टैचू भी है। बाकी इधर भी आप देख सकते हो इधर इधर कुछ बना हुआ है, बाकी ये तो ताजमहल है। बाकी यहाँ पर देखो गाइस यहाँ पर ना तबाही दिख रहा है, ये देखो ऊपर में महादेव जी है, हर हर महादेव जी,
और यहाँ पर बहुत सारे लोग फोटो वगैरह क्लिक करते हैं, खिंचवाते हैं। डायनासोर है दोनों तरफ और नीचे में भी पांडा वांडा है जो कि बहुत सारे कुछ कुछ चीजें हैं। चले मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो डायनासोर चुपके से झांक रहा है, बोल सकते हो चुपके से देख रहा है कौन कौन आया हुआ है नीचे में। जैसे ही कोई आएगा और बैठेगा आराम से उसको खब्बू से खा देगा बोल सकते हो। और यहाँ पर महादेव जी है जो बैठे हुए हैं, ध्यान में लीन है। और किनारे में एक और डायनासोर है गाइस, ये भी देख रहा है चुपके से। चलिए आपको और नेक्स्ट लोकेशन दिखाता हूँ। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई पार्टनर है घूमने आ रहे हो आप अकेले, तो यहाँ पर आपको पार्टनर भी मिल जाएगा। और भाई क्या कर रहे हैं? अच्छा बैठा हुआ था। अरे यार तेरा ही चेयर है क्या? अरे थोड़ा सा भाई जगह भी देना यार। हाँ ले लूँ। हाँ ठीक, तो सुन यार चैनल को सब्सक्राइब करेगा यार, कर देगा ना? हाँ करना यार सब्सक्राइब यार, कर देना ना। चल से शेयर वेयर कर देना, DORS डोरिस ब्लॉग्स को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कुछ बोल तो नहीं रहा है, मैं ही बोल रहा हूँ, क्या करोगे। एप्स इसका थोड़ा कम हो गया है, जैसे कि मेरा कम हो गया एप्स, फास्ट फूड खा खा के फूड ब्लॉग बना बना के होना था मेरा भी एप्स। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ताजमहल है जो की बेस्ट ऑप्शन है आपके पिक्चर्स क्लिक करने के लिए। डायनासोर है, एक हल्क है और एक यहाँ पर है ताजमहल। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें। बाकी यहाँ पर गाड़ी चालू हो चुका है, देख सकते हो बच्चे लोगों के लिए, ये देख सकते हो गाड़ी चालू हो गया। पैसा पेड करो और अपने बच्चे लोगों को घुमाओ, ये देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बड़ा घोड़ा है भाई, जो कि लोहे का है पूरा। इसमें मैं बैठ के ना जा रहा हूँ पूरे स्मृति वन को घूमूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो छोटी सी गुड़िया है जो कि फूलों को इकट्ठा कर रही है बास्केट में, मतलब कि एक जो अपना है टोकरी बोल सकते हो, बास्केट बोल सकते हो। बाकी यहाँ पर भी आप फोटो क्लिक कर सकते हो, कितनी क्यूट है। बोलू बोलू आइए और दिखा देता हूँ गाइस क्या क्या चीजें हैं स्मृति वन में। सो गाइस बचपन में मैं कुछ एक टीवी में कार्टून बोल सकते हो या फिर कुछ भी बोल सकते हो, मैं देखता था उस सकल का बुम्बू में क्या चीज में, ऐसे एक पेड़ रहता था जो कि जिंदा रहता था। ये देख सकते हो पूरा एकदम से रियल लग रहा है भाई, आंख है, मुंह है, नाक है, ये देखो आंख भी है, एकदम खुश है। और सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ स्टैचू है, आई थिंक सिंगिंग वाला है, कोई पियानो वगैरह को पकड़ा रहा था, क्या बोलते हो उसको? अरे कहना क्या चाहते हो बताइए भाई कमेंट में। तो दोस्तों चलिए अंदर में गेम जो लिखा हुआ है यहाँ भी चलते हैं। और तो गाइस चलिए आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से गेम्स है। यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेन वाला गेम है और यहाँ पर गाड़ी चलना चालू हो चुका है। और अंदर में देख सकते हो छोटा सा बच्चा है जिसको उसकी मम्मी उठाई हुई है, ड्रैगन का सर है। और वहाँ पर छोटा सा जो झूला चल रहा है उसी का एक पार्ट भी है गाइस, ये देखो ट्रेन बच्चे लोग को। बाकी देख सकते हो गाइस कितने सारे झूले वगैरह, वहाँ पर भी छोटा सा टोरा टोरा झूला है, जो हम लोग बड़े लोग झूलते नहीं, टोरा टोरा झूला वो ऐसी झूला है। सो गाइस यहाँ पर भी आप देख सकते हो अंदर में तोप है, बहुत बड़ा है। और इधर देख सकते हो गाइस सामने में पिकनिक वगैरह मना रहे हैं, आप यहाँ आके पिकनिक भी मना सकते हैं। एंड दोस्तों इधर देखा ना ब्रदर, आप यहाँ आके पिकनिक भी मना सकते हैं, बस आपको खाना वाना बनाना नहीं रहेगा, आप अपना फूड आइटम लाइए और यहाँ आराम से पिकनिक की तरह खाइए। बाकी चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखा जाता हूँ क्या क्या है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे में जो सनसेट हो रहा है उसका तबाही आ रहा है वाइब भाई, कितना तगड़ा लग रहा है, आप वीडियो में भी देख सकते हो, ये देख सकते हो गाइस कितना तबाही लग रहा है सनसेट। और दोस्तों उतना समय जब पंछी उड़ रहा था ना और तबाही लग रहा था सनसेट देखने में, बहुत ही अच्छा लग रहा था गाइस। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो गाड़ी आ रहा है जो की एक राउंड लगाता है। बाकी चलिए आगे चलते हैं और दिखाता हूँ क्या क्या चीजें हैं। देख सकते हो गाड़ी में बैठे हुए हैं लोग। सो गाइस मैं स्मृति वन में घूमते घूमते थोड़ा सा आगे आया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या तबाही बनाया गया भाई, कलरफुल एकदम राउंड राउंड चढ़ के अपन को ऊपर जाना है। ऊपर चढ़ने के बाद जो व्यू आएगा ना भाई स्मृति वन का और जो सनसेट का उसको भी मैं दिखाऊंगा। बाकी इधर भी आप देख सकते हो क्या क्या बनाया गया है गाइस, सेब है, ऑरेंज है, ऐसे करके मस्त बनाया गया है, आंख है, ऊपर में जो पत्ता रहता है सेब उन सभी का भी है। इधर देख रहा सॉरी, चले पहले उसको देखते हैं उसके बाद इधर मैं जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ गाइस। सो गाइस क्या चीजें करके मैं आपको बोल रहा था ना, ये एक केक है गाइस, हम राउंड लगाते लगाते केक के ऊपर में चढ़ेंगे। बाकी आधा दूर आधा रास्ते में आया हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडल है जो कि जला है और उसका जो आधा लौ बोलते हैं वो गिरा है, थोड़ा सा बोल सकते हो मतलब जला हुआ है बोल सकते हो। बाकी इधर भी आप व्यू देख सकते हो पूरा,
स्मृति वन का फन एंड एडवेंचर पार्क का। चलिए आज इधर अगर ऊपर चढ़ते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो केक के ऊपर में हूँ, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो केक का जो मेन हिस्सा रहता है सबसे ऊपर वाला वो है, कैंडल भी है और किनारे किनारे में भी कैंडल है। बाकी यहाँ का आप व्यू देखो गाइस ऊपर से, आ जाओ ब्रदर थोड़ा दिखा दो, यहाँ का आप व्यू देखो किनारे में ज्यादा मत चलेगा, या आप यहाँ का व्यू देखो। इस चेयर को मैं जुगाड़ किया था ऊपर में था, तो यहाँ का जो आप व्यू देखोगे ना तबाही लगेगी, यहाँ से मतलब व्यू देखोगे तो तबाही लगेगा। इधर भी देखो व्यू पूरा पूरा देखो, ये देखिए। बाकी अब खत्म होने ही वाला है, ज्यादा कुछ नहीं है, इधर थोड़ा मोड़ा है उसको भी आपको दिखाता हूँ। चलिए आ जाइए, चले आ जाइए मतलब। सो गाइस फाइनली मैं केक से नीचे आ चुका हूँ उतर कर, और यहाँ पर अब मैं जा रहा हूँ फूड कोर्ट में। वाओ, तो दोस्तों फाइनली मैं फूड कोर्ट में एंटर कर चुका हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे सेब हो गया, ऑरेंज हो गया, ऐसे करके बहुत सारे फल के शेप में बनाया गया है काउंटर को। यहाँ आपको फूड खाने को मिल जाएगा स्मृति वन में जब आओगे। बाकी अभी मेकिंग प्रोसेस चल रहा है, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे बनाए गए फूड कोर्ट, दिखा दे ब्रदर एक करके। ये देख सकते हो सबसे पहले सेब है, और इसके बाद ये क्या है यार, ये भी कुछ पाइनएप्पल जैसे कुछ है बोल दीजिए, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये मक्का है बोल सकते हो, भुट्टा बोलते हैं यहाँ तक। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर और मेन काउंटर है, साथ तक यहाँ टिकट करके सब जगह लेना रहेगा जैसे भी रहेगा। ये देख सकते हो आइसक्रीम का कप बनाया गया है, और यहाँ पर से अनानास, और यहाँ पर भी एक आइसक्रीम है, और ये ऑरेंज लग रहा है मेरे को, और बहुत सारा काउंटर छोटा मोटा, और इधर कैंडल वैंडल भी है। इधर देखा ब्रदर। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, बाकी और कुछ नहीं है, इधर टहलने के लिए ही है पूरा, और कुछ नहीं है ज्यादा गाइस। चले चलते हैं, मिलते हैं मतलब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले कैंसल।